दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ अज आम आदमी पार्टी वालों प्रदर्शन किया जा रहा। इन्हों मोहाली डीसी ऑफिस के बाहर जो गेट लगा दिता गया, पर बड़ी गिनती के जड़े ने आम आदमी पार्टी के वर्कर ने वो अंदर दाखिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने वालों गेट बंद कर दिता गया। तो उन्होंने कहना है कि असं अंदर दाखिल होवेंगे, अंदर दाखिल ना हो गया, जिस तो चलते इन्होंने वालों प्रदर्शन है जोड़ा उगर हो रहा। तुम देख सकते हो कि तस्वीर के किस तरह पुलिस के नाल जी झड़प हो रही है, तो पुलिस का स्पष्ट तौर पर कहना कि साडा हक आ लगातार सरकार साढ़े धक्का कर रही है, सरकार वालों नीले कार्ड कर दिए ने जिसनों लैके उन्होंने वालों जो प्रदर्शन किया जा रहा। पर इसके बावजूद बड़ी गिणती के जेडे ये वर्कर ने कट्ठे होए ने, तो इन्हों का कहना कि असी मंग पत्र देन आए थी पर साड़ी जी सुनवाई नहीं हुई जिसके चलते, तो हूँ जबरी जरा यह गेट खोल दे लिया, इन्हें अंदर दाखिल हो गए हैं। तो बड़ी गिणती के स्पष्ट तौर पर कहना कि जेकर सरकार ने हले भी साड़ी सुनवाई ना की आने वाले समय के जोड़ा प्रदर्शन होर तेज किया जाऊगा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहना कि असी सरकार को जगाने आए थे पर सरकार ने अज जो धक्का किया जिसके खिलाफ उन्होंने जोड़ा प्रदर्शन किया गया। हाँ जी हाँ जी, पुलिस ने बहुत धक्का किया, जो कोई अकाली रोस या प्रदर्शन करते उन्होंने कोई नहीं रोकता, पर जो आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे से पैंती है तो हमेशा साढ़े ना धक्का आता, पर अब अभी मंग पत्र दे के रहोगे डीसी को, कहने जी सौ गज की दूरी रखो। मैं कहता स्टाफ दिखावे उत्थे डीसी साहब दे कि किहड़ा सौ गज की रिक्वायर, जे साडियां जरूरतां पूरियां करियां जाण तां सानू की लोड़ पई है सड़कां ते उतरन दी, सानू मजबूर किया जाता सड़कां ते उतरन लई। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी दे वर्करां दा कहणा है कि साडे नाल धक्का कीता जाए, जदों कांग्रेसी आउंदे ने मंग पत्र देण तां उहनां दा जिहड़ा ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਇੰਦਿਰਾਪੁਰਾ ਧੱਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਹੈ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ? जागरूकता होगी प्रॉब्लम आने लग पैनी। महाराजा साहब जंगलों च लुके बैठे हैं, जदों उन्होंने देना होंगे मंग पत्र उदो सारा प्रशासन इकट्ठा होंगे, अज की गल है साडे वास्ते गेट बंद है, ये शरेआम धक्का हो रहा है और यह धक्का आम आदमी पार्टी कदे बर्दाश्त नहीं करूगी। मैं हुणे तैयार हाँ, मैनू चक के लैके जाओ, मैं तो इत्थे बैठा, ना मैं शाम तक इत्थों हिलना, मैनू चक के लैके जाओ, परचा दर्ज करो, जो मर्जी करो, मैं लोगों की आवाज उठाने नहीं हटना। देख सकते हो कि वड्डी गिणती जिहड़े कांग्रेसी वर्कर ने डीसी कंपलैक्स के बच्चे दाखिल हो चुके हैं, उन्होंने कहना है कि हर पार्टी इतने जो मंग पत्र लेने का रोकया जा अंदर जाने दिता, पर सानू जान बुझ के जोड़ा रोकया गया है, जिसके चलते अज वड्डी गिणती जिहड़े इत्थे असीं इकट्ठे होए हां, ते मंग उन्होंने यह है कि सरकार वालों लगातार दलित जिहड़ा नीले कार्ड कट्टे जा रहे हैं, राशन बंड के जिहड़ा पक्षपात किया जा रहा, जिसके चलते अज उन्हां नूं फिर सड़कों से उतरना पै रहा। फिलहाल उन्हां वालों तहसील नायब तहसीलदार गुरप्रीत ढिल्लों नूं जिहड़ा अपना मंग पत्र सौंप रहे हैं, तो उन्हों का कहना है कि इत्थों असीं मंग पत्र दे के ही करां अंदर बाहर निकलांगे, सरकार वालों साढ़े नाल बेशक धक्के किए जा रहे हैं पर हले तक जिहड़ा असीं लोगों नूं जिहड़ा जागरूक आंदा कम इस तरह करते रहांगे। फिलहाल तुसीं देख सकते हो कि तस्वीरां दे विच उन्हां वालों मंग पत्र दिता जा रहा, तो खास तौर पर गरीबों की जिहड़ी हक के विच पिछे हो जाए माड़ा जिहा बिल्कुल
इतने पूरी तरह जिहड़े कांग्रेस पार्टी के वर्कर भी मौजूद ने ते बड़ी गिणती दे विच जिहड़े एम एल ए जैतो तो बलदेव सिंह वह भी विशेष तौर पर जिहड़े पहुंचे हुए ने। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो कि लगातार जिहड़ी आ धक्के मुक्की चल रही है। फिलहाल वह भी जिहड़े आम आदमी पार्टी के वर्कर ने वह भी मंग पत्र देने दे उत्ते अड़े हुए ने। उन्हां दा कहना है कि जिन्ना चिर सानू जिहड़ा मंग पत्र नहीं लिया जाता उन्ना चिर जिहड़ी आ इस तरह जिहड़ा चलता रहेगा। साडे नाल एम एल ए ने अज अं मंग पत्र देने वास्ते आए हैं। दलतों के जो कटे हुए कार्ड ने दलतों जो धक्केशाही है वह हो रही है उसके संबंध में ही डीसी साहब मंग पत्र देना सी। पर देखो भी साढ़े को कितना घट है, जान के थोड़े थोड़े बंदे बुलाए हैं यह जान के खराब करने वास्ते उतों गेट बंद किया। हम सारे इतने आके यही बिठाई इन्होंने नहीं बिठाए, ये गल सुनने को तैयार नहीं। पंजाब सरकार बोली सरकार है, अभी बहुत चिर तो उन्होंने जगाते आ रहे हैं पर उठ नहीं। आने वाले समय के विधानसभा भी घेरना उन्होंने, क्योंकि अज मैंने आशीष का फोन आया दो महीने बाद फोन आता है। मैं आपके हल्के से दसा भी इतने राशन कार्ड नहीं मिलेगे, इतने इतने राशन कार्ड कट्टे है, कहते तो 500 किटा चुको 700 किटा चुको अज कहते हैं, अज कहते क्यों कहें पता भी विधानसभा के घेरा यह दलतों के नाल धक्का जो कर रहे हैं। अभी धक्केशाही यही हो नहीं देनी, अभी हमेशा लिए दलतों के नाल खड़े किसानों के नाल खड़े। देख सकते हो कि यह साडे नाल जैतो तो एम एल ए बलदेव सिंह उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहना कि असी लगातार फिर इतने गेट जो बंद कर दिता गया, इतने भी जो बड़ी गिनती के जेड़े धक्का मुक्की जो फिर इतने शुरू हो गया। पुलिस इतने बड़ी फिर तुम तस्वीर देख सकते हो कि फिर अंदर डीसी दफ्तर कंपलैक्स तस्वीर ने यह पूरी धक्का मुक्की जी इतने फिर शुरू हो गई है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहना कि इतने साढ़े ना पक्षपात क्यों किया जा रहा, जबकि होर जी कांग्रेस पार्टी वालों भी इतने जो मंग पत्र दिता गया तो सारे जोड़े मंत्री तो लैके थले तक वर्कर से अंदर तक गए थे, पर फिलहाल उन्होंने वालों जोड़ा गेट बंद करता गया। तुम तस्वीर देख सकते हो इतने भी जी लगातार जी पक्षपात जो हो रहा है। तो लगातार उन्होंने कहना है कि असी जी लोगों की आवाज़ आ वह उठाते रहेंगे, तो असी लोगों की आवाज़ आ पूरी तरह वह करते रहेंगे। साढ़े ना जी देख सकते हो कि लगातार उन्होंने हुण मंग पत्र लैके इतने पहुंचे ने। तो उन्होंने कहना है कि जेकर हले भी साड़ी सुनवाई ना हुई तो असी इस तो बाद इन्हों विधानसभा के भी घेरन की जी तैयारी की गई है। देखो जी ये कोई परमिशन नहीं सी लिती गई ना डीसी साहब वालों ना साढ़े ऑफिस चो, तो मैन हैंडलिंग भी हुई हैगी है गेट पर। तो मैं डीएसपी साहब ना कोऑर्डिनेट कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम तो देर इज़ बैटर मैनेजमेंट। बिल्कुल जी डेफिनेटली, क्योंकि कोरोना एक सांझी प्रॉब्लम है जी, कल्ले बंदे दी नहीं हैगी। तो जे एक बंदा प्रिकॉशंस नहीं रह रहा अपने नाल 100 बंदियां नूं खराब कर रहा। वो अज इकट्ठे हुए ने डीसी कंपलैक्स के अंदर जो धक्के दाखिल होने अंदर, फिलहाल इतने फिर गेट बंद करता जिथे ये हुण पंज बंदे डीसी नूं मंग पत्र देण लई पहुंचे ने। मोहाली तो कैमरा मंदी गौतम नेला गुरदीप बैनीपाल डेली पोस्ट पंजाबी। दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ अज आम आदमी पार्टी वालों प्रदर्शन किया जा रहा। इन्हों मोहाली डीसी ऑफिस के बाहर जो गेट लगा दिता गया, पर बड़ी गिनती के जोड़े ने आम आदमी पार्टी के वर्कर ने वो अंदर दाखिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने वालों गेट बंद कर दिता गया। तो उन्होंने कहना है कि असी अंदर दाखिल होवेंगे, अंदर दाखिल ना होता गया जिस तो चलते इन्हों वालों प्रदर्शन है जोड़ा उगर हो रहा। तुम देख सकते हो कि तस्वीर के किस तरह पुलिस के नाल जी झड़प हो रही है। तो पुलिस का स्पष्ट तौर पर कहना कि साडा हक आ, लगातार सरकार साढ़े ना धक्का कर रही है, सरकार वालों नीले कार्ड कर दिए ने जिसनों लैके उन्होंने वालों जो प्रदर्शन किया जा रहा। पर इसके बावजूद बड़ी गिणती के जेडे ये वर्कर ने कट्ठे हुए ने। तो इन्हों का कहना कि असी मंग पत्र देन आए थी पर साड़ी जी सुनवाई नहीं हुई जिसके चलते, तो हुण जबरी जड़ा यह गेट खोल दिया, इन्हें अंदर दाखिल हो गए हैं।
ते बड़ी गिनती दे विच उन्हां दा स्पष्ट तौर ते कहना कि जेकर सरकार ने हले भी साडी सुनवाई ना की आने वाले समय के विच जिहड़ा इह प्रदर्शन होर तेज किया जाऊगा क्योंकि उन्हां दा स्पष्ट तौर ते कहना कि असीं सरकार नूं जगाउण आए सी पर सरकार ने अज जो धक्का किया जिसके खिलाफ उन्होंने जो प्रदर्शन किया गया। हाँ जी हाँ जी पुलिस ने बहुत धक्का किया जो कोई अकाली रोस या प्रदर्शन करते कोई नहीं रोकता पर जो आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे से पैंती है तो हमेशा साढ़े धक्का आता पर अज अभी मंग पत्र दे के रहोगे डीसी कहने जी सौ गज की दूरी रखो मैं कहना स्टाफ से दिखावे उत्थे डीसी साहब से कि किहड़ा सौ गज की रिक्वायर जे साडियां जरूरतां पूरियां करियां जाण तां सानू की लोड़ पई है सड़कां ते उतरन दी सानू मजबूर किया जाता सड़कां ते उतरन लई। बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी पार्टी के वर्करां दा कहना है कि साडे नाल धक्का किया जा जदों कांग्रेसी आउंदे ने मंग पत्र देण तां उहनां दा जिहड़ा लगातार उन्होंने जोड़ा अंदर दाखिल सानू धक्का किया जा रहा देख सकते हो तस्वीरों के शेरगिल जी बिल्कुल जी क्योंकि दूसरिया पार्टियां सारी इतने आदि कांग्रेस वाले अकाली दल वाले इंदिरा पूरा धक्का आम आदमी पार्टी कदा चीज बर्दाश्त नहीं करूगी है। अच्छ साडिया मंगा बहुत काफी मंगा उन्होंने संबंध में असं पहला भी आने हर बार सब परेशान करते हैं इस करके असं अच्छ चाहे जो मर्जी करना पवे असं अंदर मंग पत्र दे के पर्सनली जो देकर जावे डीसी साहब तस्वीरों के आम आदमी पार्टी का वर्कर रोष है कि घट्टो घट सारिया पार्टियां जो इतने अंदर दाखिल होता जाता तो बाहर आके जो डीसी मंग पत्र तक लेंगे ने पर इस बावजूद देख सकते हो कि तस्वीरों के बड़ी गिनती के आम आदमी पार्टी के जो वर्कर ने वो नारेबाजी कर रहे हैं इन्होंने हम लोगों की आवाज दबना चाहते हैं सानू मजबूर करता एक पब्लिक कंपलैक्स है सानू अज मजबूर कर दिता गया भी असं गेट टप के अपने ही पब्लिक कंपलैक्स जो लोगों के टैक्स नाल बनते हैं आप ही अपने पब्लिक कंपलैक्स गेट टप के आना पै रहा सानू पुलिस रोक रही है इन्हों पुछो तो सही कैस वास्ते रोक रहे सानू जागरूकता होगी प्रॉब्लम आने लग पैनी महाराजा साहब जंगलों च लुके बैठे हैं जदों उन्होंने देना होंगे मंग पत्र उदो सारा प्रशासन इकट्ठा होंगे अज की गल है साडे वास्ते गेट बंद है ये शरेआम धक्का हो रहा है और यह धक्का आम आदमी पार्टी कदे बर्दाश्त नहीं करूगी। मैं हुणे तैयार हाँ मैनू चक के लैके जाओ मैं तो इत्थे बैठा ना मैं शाम तक इत्थों हिलना है मैनू चक के लैके जाओ परचा दर्ज करो जो मर्जी करो मैं लोगों की आवाज उठाने नहीं हटना। देख सकते हो कि वड्डी गिणती जिहड़े कांग्रेसी वर्कर ने डीसी कंपलैक्स के दाखिल हो चुके हैं उन्होंने कहना है कि हर पार्टी इतने जिहड़ा मंग पत्र लैने का रोकया जा अंदर जाने तक का पर सानू जान बुझ के जिहड़ा रोकया गया है जिसके चलते अज वड्डी गिणती जिहड़े इत्थे असीं इकट्ठे होए आ ते मंग उन्होंने यह है कि सरकार वल्लों लगातार दिल तो जिहड़ा नीले कार्ड कट्टे जा रहे हैं राशन बंड दे विच जिहड़ा पक्षपात किया जा रहा जिसके चलते अज उन्हां नूं फिर सड़कों से उतरना पै रहा फिलहाल उन्हां वल्लों तहसील नायब तहसीलदार गुरप्रीत ढिल्लों जिहड़ा अपना मंग पत्र सौंप रहे हैं तो उन्हों का कहना है कि इतों असी मंग पत्र दे के ही करा अंदर बाहर निकलेंगे सरकार वालों साढ़े नाल बेशक धक्के किए जा रहे हैं पर हले तक जिहड़ा असी लोगों को जिहड़ा जागरूक आंदा कम इस तरह करते रहेंगे फिलहाल तुसीं देख सकते हो कि तस्वीरों के विच उन्हां वल्लों मंग पत्र दिता जा रहा तो खास तौर पर गरीबों की जिहड़ी हक के विच पिछे हो जाए माड़ा जिहा बिल्कुल नाल इत्थे पूरी तरह जिहड़े कांग्रेस पार्टी के वर्कर भी मौजूद ने वड्डी गिणती दे विच जिहड़े एमएलए जैतो तो बलदेव सिंह वह भी विशेष तौर पर जिहड़े पहुंचे हुए ने तस्वीरों के देख सकते हो कि लगातार जी धक्के मुक्की चल रही है फिलहाल वो भी जोड़े आम आदमी पार्टी के वर्कर ने वो भी मंग पत्र देने दे उत्ते अड़े हुए ने उन्हों का कहना है कि जिन्ना चर सानू जोड़ा मंग पत्र नहीं लिया जाता उन्ना चर जी इस तरह जो चलता रहेगा। अज अभी मंग पत्र देने वास्ते आए हैं दलतों के जो कटे हुए कार्ड ने दलतों जो धक्केशाही है वह हो रही है उसके संबंध में अभी डीसी साहब मंग पत्र देना सीगा पर इतने देखो भी साढ़े को कितना कट है जान के थोड़े थोड़े बंदे बुलाए हैं यह जान के खराब करने वास्ते उतो गेट बंद किया हम सारे इतने आके यही बिठाए इन्होंने तो नहीं बिठाए यह गल सुन तैयार नहीं
पंजाब सरकार बोली सरकार है, असं बहुत चिर तो उन्होंने जगाते आ रहे हैं, पर उठ नहीं रही। आने वाले समय के विधानसभा भी घेरना उन्होंने, क्योंकि अज मैंने आशीष का फोन आया, दो महीनों बाद फोन आता है। मैं आपके हल्के से दसा भी इतने इतने राशन कार्ड नहीं मिले गए, इतने इतने राशन कार्ड कटे है, कहते 500 किटा चुको, 700 किटा चुको, अज कहते हैं, अज कहते क्यों कहें, पता भी विधानसभा घेरा ये दलतों के नाल धक्का जोड़े कर रहे हैं। अभी धक्केशाही यही होन नहीं देनी, अभी हमेशा लिए दलतों के नाल खड़े, किसानों के नाल खड़े। देख सकते हो कि ये साढ़े नाल जैतो तो MLA बलदेव सिंह, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहना कि असी